हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो माइनक्राफ्ट। तो आज के इस वाले वीडियो में हम खोलेंगे उज्जवल भाई का 20 मिलियन सरप्राइज। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो अभी आप देख सकते हो मैं उज्जवल भाई के कासल में हूँ, और इतने दिन से मेरा जो फोन था वो सरप्राइज को रिवील करने के लिए एबल नहीं था। कभी फोन क्रैश हो रहा था तो कभी गेम, तो इसलिए आज देख सकते हो अभी भी थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ ना कुछ करके। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये कासल है, और यहाँ पर एक बेड लगा हुआ था पहले, वो पिछली वाली वीडियो में आपने शायद तक देखा होगा। नहीं अभी हम ओपन करेंगे 20 मिलियन सरप्राइज। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद मेरा फोन थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है। यहाँ पर जाने के बाद हम खोलेंगे दरवाजे। ये देख सकते हो स्वॉर्ड और पिकेक्स और कुछ आर्मर जो कि मैंने यहाँ से उज्जवल भाई के पास से चुरा लिए थे, वो यहाँ पर नहीं थे इसलिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। अबे ये क्या हो गया, यहाँ तो बंद है। और एक मिनट पिकेक्स लेंगे, डिगिंग करते हैं साइड में होल, मतलब यहाँ पर तो होना ही चाहिए। कुछ तो दिख रहा है, ओ भाई नीचे क्या है, जंप कर दूं क्या सच में? एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो। तो अभी हम नीचे कूदेंगे। और आगे देखते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या है? यहाँ पर क्या लिखा है? Only a person who is in survival mode can go inside. तो अपन तो अभी survival mode में है ना अभी। और एक मिनट, ये चेस्ट पे क्या लिखा हुआ है? अरे तो लैग क्यों हो रहा है फोन? Drop your all items in this chest. Either the responsibility of these items are not mine. Oh boy, उज्जवल भाई ने क्या लिखा है कि अपनी सारे आइटम है वो इस चेस्ट में रख दो, और अगर ये घूम गए तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उज्जवल भाई की नहीं होगी। और ये आइटम भी हमारे नहीं है, सिर्फ उज्जवल भाई के ही हैं सारे, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, क्या पता वो मार दें। इस अपने सारे आइटम इस चेस्ट में रखेंगे। ये पर एक आर्मर भी होगा उसके अंदर, तो आर्मर को भी उतारो भाई यार, कितना अच्छा नदराइट का आर्मर है, देना पड़ रहा है वापिस। अपने फर्टीचर बैंटन वाले कपड़ों में आ गए वापिस, सोचा था कुछ दिनों के लिए अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। और अगर कुछ बैकग्राउंड में नॉइज आए तो उसके लिए माफी। तो अभी चलते हैं, अभी हमने खाली कर दिया है। तो अभी हम चलें, पर ये देखो ये ध्यान से यहाँ पर कितनी गहराई में किया हुआ ये सब, भाई साहब क्या दिमाग हो गया है। तो अभी चलते हैं, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है। और अभी चलो, अरे भाई, अरे 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 इतने सारे टीएनटी, अरे 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 भाई ये क्या हुआ, ये क्या मेरा गेम लैग। ओ भाई बेटा तुमसे ना हो पाएगा, मेरे को समझ में आया, इसलिए उज्जवल भाई ने लिखा कि वहां पर सर्वाइवल मोड में क्यों जाओ, अगर सिक्योरिटी मोड होगा तो वो बच जाएगा। तो अभी रिस्पॉन नहीं करते हैं, रिस्पॉन अभी तक टीएनटी गिर रहे हैं। ओ वापस 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 आ गए। ओ भाई यहाँ लिखा है मेरा आगे ब्लो अप बाय ब्लॉक्स ऑफ टीएनटी। ओ भाई क्या गेम लैग हो रहा है मेरा वापस।
भाई क्या लैग है। तो गाइस आपने देखा कि मैंने कोशिश पूरी की थी पर उज्जवल भाई ने क्या दिमाग लगाया और भाई क्या लैग हो रहा है उसके इतने सारे टीएनटी ब्लास्ट की वजह से। तो आप देख सकते हैं मैंने कोशिश पूरी की थी कि मैं उज्जवल भाई को 20 मिलियन सरप्राइज रिवील करूं, बट वो नहीं चाहते थे कि मेरे अलावा कोई और रिवील करे, इसलिए उन्होंने हमको मरवा दिया। तो आज के सोलह वीडियो में इतना ही। तो हो सके तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी आ रही है उसको भी दबा देना और वीडियो को एक शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।